हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास ट्वेल्थ के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की बुक नंबर वन, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर थ्री, यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प होंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो लेट्स लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। आपको बताना है कि जो ऑपरेशन चलाया गया था यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेज के द्वारा अगेंस्ट द इराक फोर्सेस, तो उस पूरे ऑपरेशन का नाम क्या था। ऑपरेशंस यानी जो हैं इसमें चार मेंशन किए हैं, आप देखिए कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है। सो द राइट आंसर इज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट फर्स्ट गल्फ वॉर। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ऑप्शंस देख सकते हैं बच्चों, और जो आपको सूट करे आप सोचिए, फिर मैं आपको एग्जैक्ट आंसर दूंगा इसका। सो द राइट आंसर इज इट वॉज ए न्यूक्लियर वॉर। यानी इसमें जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है अगर हम फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में बात करें तो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। इन 1998 Which of the following operation was ordered by President Clinton against Al-Qaeda terrorist targets in Sudan and Afghanistan? यानी जो अल-कायदा ने, जो टेररिस्ट यानी आतंकवादियों ने, अल-कायदा के आतंकवादियों ने सूडान और अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो बमबारी की थी, उसके अगेंस्ट हम अगर हम बात करें कि बिल क्लिंटन ने एक ऑपरेशन चलाया था इन पूरे आतंकवादियों के अगेंस्ट, उसका क्या नाम दिया गया। तो बच्चों आप ऑप्शंस एक बार फिर से देखिए, आई हैव चेंज्ड द ऑप्शंस नाउ। सो द राइट आंसर इज ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। व्हाट कोड नेम वाज यूज्ड बाय यूएसए टू लॉन्च इट्स इन्वेशन अगेंस्ट इराक। यानी अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इराक के अगेंस्ट या इराक के ऊपर अटैक किया तो उसे क्या कोड नेम दिया गया था। ऑप्शंस मैं आपको दिखाता हूँ अभी। So you can look at the options here: Operation Enduring Freedom, Operation Desert Storm, or Iraqi Freedom, or none of the above. So the right answer is Operation Iraqi Freedom. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। To whom did George Bush lose the presidential elections of 1992? 1992 के इलेक्शन में जॉर्ज बुश जो है इलेक्शन हार गए थे, किसके अगेंस्ट। So look at the option here. The right answer is Bill Clinton. Now you move to question number six. और इसमें आपको match the following करना है, तो आप एक बार ऑप्शन देखिए, then I'll give the right answer. So now you can see the right answer according to their color. So I think so this is good enough for you. Now move to question number seven. और ये भी question जो है आपके लिए match the following है। इस क्वेश्चन में भी आपको देखना है क्या होगा। सो बच्चों आप देखिए ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, तो बच्चों ये इसके राइट आंसर हैं जो आप मैच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कलर्स जो हैं। क्लिंटन 1992, कुवैत 1990, वर्ल्ड वॉर टू 1945 एंड पर्ल हार्बर 1941। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर एट। अगेन ये क्वेश्चन आपके लिए मैच द फॉलोइंग है, आप ऑप्शन देखिए बच्चों एक बार। सो बच्चों आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन, आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि ये 1992 क्यों मेंशन हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट हम मान के चल सकते हैं कि जॉर्ज बुश जो है वो इलेक्शन हारे थे बिल क्लिंटन के हाथों 1992 में, और जॉर्ज बुश खुद भी जो है 1992 तक प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के। इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। तो बच्चों मैं आपको ब्लैंक की फॉर्म में जो क्वेश्चंस की मैंने आंसर मैंने साथ ही मेंशन किए हैं, जैसे द फर्स्ट गल्फ वॉर इज नोन एज, तो उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर वॉर, और साथ में इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा गया है। उसका रीज़न था कि सभी लोग घर पर बैठे इस वॉर को लाइव देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर टेन है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वॉज ओवरवेलमिंगली अमेरिकन, उसका रीज़न क्या था कि इसमें मैक्सिमम ट्रूप्स जो हैं यानी सोल्जर्स अमेरिका के थे, और एन डैश यानी एन अमेरिकन जनरल था वो नॉर्मन शेफशॉफ लेड द यूएन कॉलिशन।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं और इसमें है द फर्स्ट गल्फ वॉर रिवील द वास्ट डैश गैप. कौन सा गैप था? वो टेक्नोलॉजिकल गैप था दैट हैड ओपन अप बिटवीन द US मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड दैट ऑफ द अदर स्टेट्स. स्टेट्स का मतलब है यहाँ पर दूसरी कंट्री. क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं तो नेटो फोर्सेस ने एक्शन लिया था यूगोस्लाविया के अगेंस्ट, क्योंकि यूगोस्लाविया जो है उन्होंने अटैक किया था किसके ऊपर, कौन सी पॉपुलेशन थी और कौन सा प्रोविंस था. तो इसका राइट आंसर है अल्बेनियन एंड कोसोवो. फिर भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ. यस राइट आंसर इज अल्बेनियन पॉपुलेशन और प्रोविंस था ये कोसोवो का. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. US has ensured freedom of, US ने किसकी फ्रीडम को इंश्योर किया था इन इंटरनेशनल waters which is also known as. तो बच्चों ये कोई कंट्री की फ्रीडम की बात नहीं हो रही, लेकिन ये थी फ्रीडम ऑफ navigations और इसको जो है शॉक्स के नाम से भी जाना जाता है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. USA as a dash power has been able to persuade than coerce. अब आपको बताना है ये क्या होगा आंसर इसका, हार्ड पावर या फिर स्ट्रक्चर पावर या फिर सॉफ्ट पावर. व्हाट डू यू थिंक? यस राइट आंसर इज सॉफ्ट पावर, क्योंकि US जो है कभी भी किसी को प्रेशराइज नहीं करता था अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. डैश स्ट्रेटजी इज़ टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स बाय ऑपरेटिंग विद इन द हेजेमोनिक सिस्टम. अब आपको बताना है कि ये कौन सी स्ट्रेटजी की बात हो रही है जहां आप बेनिफिट्स ले सकते हैं दूसरों से जब आपके सामने एक हेजेमोन कंट्री हो. यस हेजेमोन कंट्री होती है सुपर पावर. तो राइट आंसर इज बैंड वैगन स्ट्रेटजी. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. ट्रू और फॉल्स में ए मैसिव कॉलिशन यानी एक बड़ी जो आर्मी है 660,000 सोल्जर की, जिसमें 34 कंट्री जो है उन्होंने इराक के अगेंस्ट फाइट की और इसको हरा दिया. तो इसको जो है सेकेंड गल्फ वॉर का नाम दिया गया. कि ये ट्रू है या फॉल्स है? व्हाट डू यू थिंक? ऑप्शंस आपके सामने हैं बच्चों, फॉल्स और ट्रू. व्हाट डू यू थिंक बच्चों? तो इसका सही आंसर है फॉल्स. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द फर्स्ट गल्फ वॉर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर वॉर. व्हाट डू यू थिंक? यस ऑफ कोर्स इट्स ट्रू. क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं. इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत. ये बात सच है, इराक ने कुवैत को इन्वेड किया, अटैक किया और साथ में ऑक्यूपाई किया और सब्सिक्वेंटली इसको कब्जे में ले लिया. यस बिल्कुल सही, दोनों का आंसर है 17 और 18 का आंसर ट्रू. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ऑन विच इश्यूज़, कौन से इश्यू पर बिल क्लिंटन जो है उसने फोकस किया था अपनी स्टार्टिंग की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब वो प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के. तो उनके जो इश्यूज़ थे वो सॉफ्ट इश्यूज़ थे, जैसे कि डेमोक्रेसी के बारे में या प्रमोशन, डेमोक्रेसी प्रमोशन हो या क्लाइमेट चेंज हो या फिर वर्ल्ड ट्रेड हो. यानी वो लड़ने की फिलॉसफी में बिलीव नहीं करते थे, उन्हें था कि इन सब टॉपिक्स पे ज़्यादा डिस्कस किया जाए या इनको ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्वांतनामो बे, फॉर व्हाट इट इज़ फेमस. अब देखिए ये बे जो है यानी एक खाड़ी जो है US नवल बेस है और फेमस किस लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रिजनर्स को रखा जाता था जिनको किसी भी तरह के कोई राइट्स नहीं थी, प्रोटेक्शन नहीं थी उनके पास. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज मेंट बाय US हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. आपको US हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताना है और इसका राइट आंसर है कि US हेजमनी का मतलब है अमेरिका की सुपीरियरिटी इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री डोमिनेशन या फिर इकोनॉमिक पावर या फिर पॉलिटिकल क्लाउट या कल्चरल, यानी हर एंगल से सबसे ऊपर सबसे आगे. इसलिए उस टाइम पीरियड को कहा जाता था US हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. और इसी के साथ इस वीडियो को मैं स्टॉप करूँगा. आई होप सो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प टू यू. So thank you really very much for watching Tarun Sir classes, and don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel. Have a very nice day.